तो है गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है रात के 11:48। तो गाइज आप सोचते होंगे कि 11:48 हो रहा है, अभी स्टडी स्टार्ट हो रहा है। तो गाइज कारण है कि मैं सो चुका था और सो के मैं उठा तो देखा तो 11:48 हो चुका था। मैं झटपट से स्टार्ट किया, गया वहाँ मुँह धोया, उसके बाद आया और मैं सोचा कुछ बना लेता हूँ, टाइम टेबल वगैरह कैसे कैसे पढ़ना है। फिर मेरे बिखरे हुए थे जितने भी बुक्स थे, नोटबुक्स थे, पूरे बिखरे हुए थे क्योंकि मैं पहले पढ़ के ही सोया था। गाइज मेरे को नींद आ जाता है पढ़ते पढ़ते, मैं पढ़ते पढ़ते सो गया था। तो बुक्स वगैरह इसी तरह पड़ी हुई थी, अचानक से नींद खुली तो मैं सोचा कि मैं सो गया था। उसके बाद मैं, ये मेरा सिलेबस है, इसमें मेरे जो नोटबुक्स बुक्स बनाए हैं उसके जो लिखा हुआ है, मैंने बहुत पहले लिखा हुआ है वो वाला है। और ये मेरे पढ़ने का शेड्यूल है जो संडे मंडे पूरे वीक का है। तो आज है थर्सडे और थर्सडे के दिन मैं करंट अफेयर और द हिंदू एडिटोरियल एंड वोकैब और कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पढ़ता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ गाइज आगे। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स पढ़ाई करूँगा क्योंकि गाइज करंट अफेयर्स से स्टार्ट करता हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है और उससे स्टार्ट करता हूँ गाइज, तो मुझे काफ़ी पढ़ने में अच्छा लगता है। सो चलिए गाइज अब बना रहे हैं अपना टू डू लिस्ट, क्योंकि गाइज टू डू लिस्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि टू डू लिस्ट से स्टार्ट करेंगे आप तो आपको पूरा पता चलेगा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ चुका और कौन सा सब्जेक्ट अभी बाकी है। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप बिना टू डू लिस्ट बनाए पढ़ाई ना किया करें, क्योंकि वैसे पढ़ने पर कोई सब्जेक्ट ज़रूर छूट जाएगा या फिर कोई ना कोई चैप्टर वाइज कहीं आप पढ़ाई करेंगे तो भी कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होगा जो कि ज़रूर छूट जाएगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि पहले टू डू लिस्ट बनाएं, इसके बाद अपना जो भी पढ़ाई हो उसके बाद पढ़ाई करें। मैं चलता हूँ जनरल इकोनॉमी में, मैं कुछ नोट बना रखा था तो मैं जनरल इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस का जो है नोटबुक्स उसको रिवीजन कर लेता हूँ, क्योंकि उसको भी रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी होता है गाइज, क्योंकि मैं मेरे को भूलने की आदत है तो मैं रिवीजन करना अच्छा समझता हूँ। आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा अगर रिवीजन करते रहेंगे, तो रिवीजन नहीं करेंगे गाइज तो पढ़ने का फ़ायदा क्या, फिर तो भूल जाएंगे। से अच्छा रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है गाइज। तो मैं FDRD से लेकर स्टार्टिंग में, इसके बाद आगे कुछ और भी टर्म्स होते हैं जो उसे मैंने पढ़ा। Thank you.
सो गाइज अभी बज चुके हैं सुबह के 3:07, तो मुझे काफ़ी तेज़ नींद आ रही है गाइज, तो मैं चल रहा हूँ सोने के लिए। इसके बाद सुबह उठूँगा, फिर गौतम सर का क्लास देखूँगा। तो गाइज आज के वीडियो में बस यहीं तक। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।